अस्सलाम वालेकुम लेट्स स्टार्ट विद वीक वू उससे पहले हम वीक वन का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सो वीक वन में हमने पढ़ा सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड की तीन टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड एंड देन एमार्फर सॉलिड ये एक जैसे एक डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना होता है किसी भी क्रिस्टस की उसके बाद हमने लेटेस्ट के बारे में पता पढ़ा के लेटेस्ट आर बेसिकली द सेट ऑफ मैथमेटिकल पॉइंट्स और जब उन मैथमेटिकल पॉइंट्स जो कि कारबिटेरी पॉइंट्स होंगे उन पे जब हम एटम्स लगा देंगे या हम एटम्स को वहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो वो बेसिस बन जाएगा सो वी कुड जनरलाइज़ इट इन अ वे लेटेस्ट प्लस बेसिस मेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू कैन ग्रैस फ्रॉम हेयर फिर हमने कहा कि हम ट्रांसलेशन वैक्टर्स पे आते हैं सो so, तीन तरह के ट्रांसलेशन वैक्टर्स आएंगे थ्री डायमेंशन में टू डायमेंशन होगा तो जाहिर जारी टू ट्रांसलेशन वैक्टर्स होंगे सो इन ट्रांसलेशन वैक्टर्स को ट्रांसलेशन ऑपरेशन अगर हम टी से रिप्रेजेंट करें सो so, ये एक वैक्टर नोटेशन में होगा जस्ट अ बेसिक वैक्टर नोटेशन अ वैक्टर इज़ इक्वल टू वैक्टर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इंटू अदर डायरेक्शन प्लस जस्ट लाइक like हम जैसे पढ़ते थे फोर आए प्लस थ्री जे प्लस फाइव के सो बेसिक एक वैक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बता दें उसके बाद हम क्रिस्टल की प्रॉपर्टी पर आते हैं कि क्रिस्टल जो एक आइडियल क्रिस्टल होगा वो हर तरह से हमें सेम बिहेवियर शो करेगा सेम बिहेवियर से क्या मुराद है कि आप जब एक ट्रांसलेशन वैक्टर्स को डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं कि हमने उसको भी ट्रांसलेट किया इस तरह कि यू ये वही ऊपर वाला आ गया और हमने उसको थोड़ा सा पोजीशन चेंज की आर इज सम पोजीशन कि हम कोई न्यू पोजीशन पे चले गए सो so, हमारी सराउंडिंग फिर भी सेम रहेगी जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ एन ओशन सो हम इसे कह सकते हैं आइडेंटिकल सराउंडिंग और ये एक परफेक्ट लेटेस्ट के लिए वर्कआउट करेगा इन परफेक्ट लेटेस्ट के लिए काम नहीं करेगा सो so, ये जो हमने ऊपर पढ़े ट्रांसलेशन वैक्टर्स ए वन ए टू ए थ्री इनको हम क्रिस्टल एक्सिस और बेसिस वैक्टर्स भी कह सकते हैं दैन द लास्ट एंड इम्पॉटेंट थिंग यूनिट सेल विच आर नॉन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स दो तरह के यूनिट सेल हमने पढ़े प्रीमेटिव एंड नॉन पीमेटिव अगर नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल वन हो तो दैट इज़ नॉन एज प्रटिव और अगर टू हो एज इट वाज केस इन फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड तो वो नॉन पीमेटिव यूनर सेल को शो करेगा अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ये टू डिमेंशन लेटेस्ट टाइप्स क्या हो सकती हैं अच्छा ब्रेवियस लेटेस्ट बेसिकली वो कहते हैं जो आइडेंटिकल हैं यानी जैसे ये स्केल लेटेस्ट है इसके अलावा इस जैसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती या इस जैसे जितने भी हैं उसको हमने इसमें कवर कर लिया सो इट विल बी अब स्केर ब्रेवियस लेटेस्ट सो स्केल लेटेस्ट जैसे कि जस्ट सिंपल हम स्केल की डेफिनेशन करते हैं ऑल द साइड्स आर इक्वल विद ऑल एंगल्स इक्वल टू नाइन्टी डिग्री रेक्टेंगल में क्या होगा साइड्स इक्वल नहीं होंगी आमने सामने वाली लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा एग्जॉगनल में साइड सेम होंगी लेकिन एंगल 90 का नहीं होगा बल्कि 120 डिग्री का होगा सेंटर रेक्टेंगुलर लेटेस्ट में एंगल तो 90 डिग्री का होगा लेकिन साइड्स बराबर नहीं होंगी अब आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर दैन सेंटर्ड में क्या फ़र्क होगा सो so, ये नॉन पीमेटिव होगी जब रख रेक्टेंगुलर प्रमेटिव होगी यानी वन लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल होगा इसमें वो वन से ज़्यादा होंगे एंड द लास्ट वन और बेसिकली ये मोस्ट जर्नल्ड वन है ओब्लिक लेटेस्ट यानी इन तमाम लेटेस्ट को अगर आप ना कहना चाहें तो यू जस्ट कैन से ओब्लिक लेटस कि जिसमें ये बराबर नहीं है और 90 डिग्री के एंगल बराबर नहीं है अगर ये बराबर हो तो देट विल बी एन एग्ज़ाम्पल ऑफ रेक्टेंगुलर लेटेस्ट अगर ये बराबर हो तो देट विल बी भी एग्ज़ाम्पल इसके लेटेस्ट हो इससे बाकी आप जनरेट कर सकते हैं और ये इनियंट वेरियंट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप उसकी शेप बदलें या उसकी रोटेशन करें तो उससे उसकी शेप बदल जाए लेकिन ये पाए और टू पाए में इन्वेरियंट रहते हैं मतलब इसे पाए या थ्री सिक्सटी के राउंड अगर आप मूव करवाते हैं जनरली तो उसमें स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर आपको सेम नज़र आएगा द अनदर थिंग विच वी डिट लास्ट टाइम इट वॉज सेवन क्रिस्टल सिस्टम विच आर बेसिकली फोर्टीन लेटेस्ट टाइप्स तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर तमाम साइड इक्वल हो तो उसको हम क्यों भी कहते हैं क्यूबिक की थ्री लेटेस्ट टाइप्स हो सकती हैं फर्दर फेस सेंटर बॉडी सेंटर सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक प्रीमिटिव होगा ये नॉन प्रीमिटिव होंगे अगर तमाम साइड इक्वल हों और तमाम एंगल राइट एंगल ना हो पर 120 से कम हो तो उसको हम कहते हैं ट्राइगोनर ट्राई फोर थ्री टू साइड इक्वल हों और तमाम एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हों तो फिर हम उसे कहेंगे टेटरागोनर इसकी दो लेटेस्ट टाइप्स होती हैं दैन टू साइड इक्वल एंड सो ऑन एंड सो फार ये हमने पढ़ा ये लास्ट जो है वी कैन गो थ्रू इट अगेन कि तमाम साइड इक्वल हो अन इक्वल हों सॉरी और तमाम एंगल राइट एंगल हों तो उसको हम कहते हैं और्थोलम्बिक और आर्थोरॉम्बिक की फोर लेटेस्ट टाइप्स होती हैं एक तो होगी बॉडी सेंटर्ड एक होगी बेस सेंटर्ड एक होगी फेस सेंटर इट्स अ न्यू नेम प्रीमिटिव ऑर्थोल्बिक सो ये चार लेटेस्ट यहाँ से आ गए एक ये मोनोक्रीनिक का पाँच छ सात दो नो and then 10 13 and 1 here 14 so 14 latest types of key in 3d in a 7 crystal system so it's the most general thing which we can use here